अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले दोनों एपिसोड देखें ताकि एपिसोड 3 और अच्छे से समझ पाएं। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड एपिसोड 1 एंड 2 येट देन गो एंड मस्ट वॉच बोथ एपिसोड 1 एंड 2 सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एपिसोड 3 प्रॉपरली। थैंक यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो पापा ने एक ऐसी बात बोल दी ना भाई कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं सर? बढ़िया है, चलो अपनी अपनी क्लास में। नमस्ते सर। यही सर कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश लग जाए। सर, नमी चीटिंग आया है। वैसे प्रिया सोनी मैडम, ये डन मुझे तेरा काफी अच्छा लगा। वे साले, इतना फोड़ूंगा ना तेरा तो पता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से तू हरकतें कर रहा है ना क्लास में, एक दिन तुझे मैं जरूर फोड़ूंगा, समझा? निकाल के जूते मारू तुझे? हैं? नीचे से टॉप किया है तूने। भगवान के घर देर है, देर नहीं। कभी पढ़ लिख भी गया कर। चुप हो जाओ सब लोग, मैं सब कुछ आके बता दूंगी। तो सेवा ने उसको वॉशरूम जाते हुए वीडियो बनाया है, तो यार उसे बहुत परेशान कर रहा है। कहाँ कहाँ प्रिया का है? अभी क्लासरूम में होगी। कभी किसी को झूठा बदनाम मत करना, नहीं तो तुम्हारे झूठ की वजह से ना कोई लड़की सुसाइड कर सकती है, तुम्हारे इस घटिया काम की वजह से किसी की शादी रुक सकती है। वाह भाई, क्या मारे हो यार, दिल खुश हो गया यार। और प्रियंका मैम कैसे हैं? I'm fine sir, आप बताइए कैसा चल रहा है? मैम बहुत अच्छा है, आप बताइए। मैम ये क्लास 12A को आप भी पढ़ाती हैं, क्या हाल चल रहा है इस क्लास का? सर क्या ही बोलूँ इन बच्चों के बारे में, दे आर वेरी नॉटी, डोंट यू थिंक? वो पढ़ना नहीं चाहते आजकल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम, एक बच्चा तो मैंने पकड़ा था वो क्लास में मोबाइल लेके आया हुआ था, बताइए परमिशन कौन देता है इनको? पता नहीं मैम कहाँ से लेके आए हैं मोबाइल, इनके बैग चेक करने होंगे सर। खैर मैम, ये मैंने फिजिक्स के चैप्टर के लिए कुछ नोट्स बनाए थे, आई थिंक इसकी जेरोक्स मैं बच्चों को दे दूँ? और वी शुड टेक द परमिशन फ्रॉम द, वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द एडमिन डिपार्टमेंट सर। ओके ठीक है मैम। ओके सर, देन वी टेक लीव। ओके यस मैम, हैव अ नाइस डे। ओ शिवाली मैम, और हाउ आर यू? I'm good ma'am, how are you? I'm also fine. So what's going on? Nothing much, aap bataiye na. Okay, so भैया आपके वहाँ के सारे गाय धरने पे गई है क्या? नहीं भैया, क्यों? फिर काहे दूध कम डालते हो भैया? अबे आज से भाई कुछ ही दिन बाद एग्जाम है, अबे समझ नहीं आ रहा है लिखेंगे क्या। अरे भाई तैयार तो वैसे मेरा भी कुछ भी नहीं है, पता नहीं भाई एग्जाम में क्या होगा। ओ भाई क्या हुआ भाई? अबे प्रिया के एबी पे रिक्वेस्ट आई है यार। भैया आज का पेमेंट हम करेंगे इन लोग का, ठीक है? अगर भैया ऐसी बात है तो एक चाय और कर दो, वो भी 2 समोसे के साथ। हाँ भैया इधर भी, और हाँ समोसे साथ चटनी मत भूलना, और यार भैया चटनी थोड़ी कम तीखी बनाया करो यार, सुबह तकलीफ होती है, समझा करो। दे दो भैया, दे दो जो जो मांग रहे हैं, ये फ्री का पाए तो तारकोल ना छोड़े। बाकी बताते हैं, तुम्हारा भी बर्थडे आ रहा है। बाय भैया। अबे प्रिया का मैसेज भी आ गया, दही जलेबी भी हो जाएगा। साले ये ढूसा नहीं जा रहा है और ऊपर से दही जलेबी, बताते तुम लोग को। ओ भाई प्रिया का मैसेज, हेलो अच्छा खा लो जल्दी से, खत्म करो उसको, खत्म करो जल्दी से, चलते ले चलो, परमोद ले चलो गाड़ी। आगे चलो।
ये जो मुझ पे हुआ है तेरा ही करम, बन गया तू मेरी चाहतों का हरम। ये जो मुझ पे हुआ है तेरा ही करम, बन गया तू मेरी चाहतों का हरम। धड़कने मेरी बस में रहे ना सनम, धड़कने मेरी बस में रहे ना सनम। रख लेना मेरी ख्वाहिशों का भरम, तुझको पाने को मचले ये दिल हर दम। धड़कने मेरी बस में रही ना सनम, धड़कने मेरी बस में रही ना सनम, धड़कने मेरी बस में रही ना सनम। धड़कने मेरी बस में रही ना सनम, धड़कने मेरी बस में रही ना सनम। मेरी आंखों को ख्वाबों से भर दे जरा, अपने लम्हे मेरे नाम कर दे जरा। मेरी आंखों को ख्वाबों से भर दे जरा, अपने लम्हे मेरे नाम कर दे जरा। ठहरे ठहरे से है रास्ते इन दिनों, बेसफर हूँ मुझे भी सफर दे जरा, बेसफर हूँ मुझे भी सफर दे जरा। बिन तेरे होती है मेरी पलकें ये नम, मेरी बेचैनियाँ आके कर दे तू कम। धड़कने मेरी बस में रही ना सनम, धड़कने मेरी बस में रही ना सनम। जिंदगी को बहुत है जरूरत तेरी, पड़ गई है इसे अब तो आदत तेरी। जिंदगी को बहुत है जरूरत तेरी, पड़ गई है इसे अब तो आदत तेरी। मेरे एहसास पे कर जरा बारिश है, मुझको रहती है हर पल शिद्दत तेरी, मुझको रहती है हर पल शिद्दत तेरी। मेरा तेरे लिए ही हुआ है जन्म, अब तेरी तरफ ही उठेंगे कदम। धड़कने मेरी बस में रही ना सनम, धड़कने मेरी बस में रही ना सनम। वैसे स्कूल खुले हुए हैं जैसे अभी कोरोना के? अभी नहीं, हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है, क्योंकि ऑफलाइन तो अभी ऐसे कोई गवर्नमेंट के गाइडलाइंस नहीं आएगा तो हम नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड सर, मुझे स्कूल वाले ग्रुप में जो वेरी गुड फोन कहां से लेके आया तू स्कूल में? गेट आउट, गेट आउट। कल अपने फादर को बोलना फोन लेने आएंगे मेरे पास। का यही हाल है। और बता सेवा, मजा आ गया? कैसे चल रही क्लास तेरी? बढ़िया मस्त। ये मैम देखिए ना, तरीका देखिए मैम। यस यस यस, आप जाइए मैम को बोलिए हमारे यूनिफॉर्म। सॉरी मैम, वो थोड़ा हाँ हाँ बिल्कुल चढ़ाइए, ऊपर तक चढ़ाइए, लड़ाई वड़ाई करने ऊपर तक चढ़ाइए। राइट, अभी वो देख नवनीत को डांट पड़ रही है साला। मैम हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। और हाँ भाई, ये मनीष और मुकेश, अबे कभी नहा भी लिया करो यार, तुम ऐसे उठ के आ जाते हो।
और अनुभव, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? जी सर बढ़िया चल रही है। नवनीत उठो, एक बात बताओ, 10-30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 या √3? जल्दी बताओ। 1/2 बेवकूफ, 10-30 इज इक्वल टू 1/√3। पढ़ने आते हैं स्कूल में ये, और तुम क्या लगे हो इसके साथ? वैसे श्रीवास्तव जी एक बात बताइए, आपके घर के आसपास कोई पेड़ लगा होगा जरूर? हाँ सर। कौन सा? सर वो बैनियन ट्री लगा हुआ है। एक बार फिर जाके चेक करना, मुझे लगता है शायद तुम्हारे घर के आसपास कोई पैसों का पेड़ लगा हुआ है। तभी अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद करने के लिए स्कूल में आते हो तुम। सर स्कूल आके पैसे बर्बाद होते हैं, तभी तो कोचिंग कर रहा हूँ सर। मेरे से बहस करने की जरूरत नहीं है, बैठिए चुपचाप। हाय। बाय द वे मायसेल्फ राहुल, नाम तो सुना होगा। हाँ वैसे आपका क्या नाम है? माय नेम इज मोना, मोना डार्लिंग। तो हम आपको मोना बुलाएं यार डार्लिंग। क्या एक्टिंग कर रहे थे हम लोग। अच्छा एक बात सुनो, हम लोग कल मिल सकते हैं क्या? कल? परसों एग्जाम है। अरे तो क्या हुआ, कल मिलते ना, मतलब मुझे कुछ डाउट्स भी है उसको भी क्लियर कर लेंगे। आओ चलते हैं हम लोग। अच्छा हेलो हेलो, नहीं यार अभी यहीं पे हूँ, वो कुछ फिजिक्स के डाउट थे ना उसको क्लियर करने थे। डाउट किसको क्लियर करने थे? मैं तो यहाँ बस उससे मिलने आया था, उसके साथ बैठने आया था, उसको करीब से देखने आया था। साले यार घर मुझे आने में थोड़ा लेट हो सकता है, वो मैं सोच रहा था कि मतलब यहाँ से डाउट्स क्लियर करने के बाद मैं भैया को घर छोड़ने जाऊँगा, मतलब अपने बाइक से। और क्या बट यार पता है मैं आधे घंटे से बैठा अभी तक वो आई नहीं। पहला नशा। हाय सॉरी फॉर लेट, वो एक्चुअली बाहर ट्रैफिक ज्यादा था ना। अरे कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा सबसे पहले बताओ क्या लोगी, आई मीन चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, रसना या चाइनीज फूड? तुम पहले वेटर थे क्या? नहीं तो क्यों? मतलब पोस्ट तो तुम ऐसे ही रहे हो जैसे। अरे यार तुम ही ना। जस्ट किडिंग यार। चलो फिर फिजिक्स के कुछ डाउट क्लियर करते हैं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, मैं दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार, एक बार फिर से देख लेना, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। ये वाला? हाँ ये तो मैंने सॉल्व भी किया था। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। जा रही हो? एग्जाम में मिलते हैं। एक मिनट मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना, ऊपर से ट्रैफिक इतनी ज्यादा, आई विल ड्रॉप यू। तुम्हें लंबा पड़ जाएगा मेरे घर से। नहीं नहीं मैं छोड़ दूंगा, आई विल ड्रॉप यू। अरे सो जस्ट इट इज यू। हाय प्रिया। शिवम तुम यहाँ कैसे? मैं थोड़ा काम से आया था। और तुम? मैं नवनीत के साथ फिजिक्स के कुछ डाउट क्लियर करने आई थी। ओ शिट यार मैं तुम दोनों का इंट्रोडक्शन ही कराना भूल गई। नवनीत दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड शिवम ही इज माय क्लासमेट। ओके सो कहाँ जा रही थी अभी तुम? मैं घर ही जा रही थी अभी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वैसे मैं उधर ही जा रहा था। ओके नवनीत मैं शिवम के साथ घर निकल जाती हूँ, वैसे भी तुम्हें मेरे घर से उल्टा ही पड़ जाएगा। बाय।